अम्ब्रियल नाम का एक नोम है, GNOME, और वो अम्ब्रियल नाम का जो नोम है वो ना तो खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है, रहने देती है। फरिश्तों का मेल फीमेल कोई सेक्स नहीं है, जेंडर नहीं है। वो सोचता है बेलिंडा उतना नहीं रो रही जितना इसको रोना चाहिए, उतनी जोरों से नहीं रो रही। तो वो, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा हुआ फरिश्ता है, तो वो धरती के नीचे जाता है। वहाँ स्प्लीन नाम की देवी का गुफा है। स्प्लीन हमारे शरीर में बढ़ जाए तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमारे शरीर में होता है स्प्लीन, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़ाहट की देवी है। और ये अम्ब्रियल वहां चला जाता है, चिड़चिड़ाहट की देवी के गुफा में जाता है। वहां जाकर वो उस देवी से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, कहता है, हे देवी, तुम तो 17 साल की लड़की से 70 साल की बुढ़िया तक सब पर राज करती हो। तुम्हारे राज में एक ऐसी लड़की है बेलिंडा, जिसके आज बालों के लट कट गए और वो फिर भी इतनी जोरों से रोती नहीं है, रो नहीं रही। तुम्हारी तो औरतों पे इतनी कृपा है, तुम उनकी, जैसे अपन स्तुति गाते ना, तेरी कृपा हो तो यूं हो जाए और तेरी कृपा हो तो यूं हो जाए। तो ये अम्ब्रियल नाम का नोम स्प्लीन नाम की देवी की स्तुति गाता है और कहता है, तेरी कृपा से ही तो ऐसा होता है कि औरतें जब नाइट गाउन नया सिलवाती हैं तो बीमार भी पड़ जाती हैं, तेरी कृपा से ही होता है। मतलब हम अच्छे कपड़े सिलवाते हैं, बाजार में पहन के जाते हैं, दोस्तों के बीच जाते हैं, लोग हमारे नए कपड़े देखते हैं। नाइट गाउन नया सिलवाएं तो लोगों को कैसे पता चले कि हमारा नया नाइट गाउन। तो उस जमाने में लोग, औरतें नया नाइट गाउन सिलाती थी तो बीमार जरूर पड़ जाती थी, ताकि लोग हालचाल पूछने आए और इस बहाने नए नाइट गाउन को भी देख लें। तो ये जो अम्ब्रियल है वो स्प्लीन नाम की देवी से कहता है, तुम्हारी कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है, पर आज मेरे पर कृपा करो, मुझे कुछ ऐसा दो कि बेलिंडा और जोरों शोरों से रोने धोने लग जाए। वो देवी इसको एक थैली देगी और एक बोतल देगी। देखिए, महाकाव्यों में किसी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए यात्रा करना पड़ता था। जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए थे, तो अब ये आया है तो इसको ये दुर्लभ चीज़ प्राप्त होगी, वो थैली और वो बोतल। और देवी कहती है कि इन दोनों को तुम खाली कर दो बेलिंडा के सिर के ऊपर और फिर मजा देखो। तो ये बड़ा खुश होकर ऊपर जाता है और बेलिंडा के सिर के ऊपर, वो खुद तो दिखता ही नहीं है, ये लोग तो अदृश्य हैं, खाली कर देता है और बेलिंडा जोरों से चीखने चिल्लाने लग जाती है। अब लेडीज की एक फौज और जेंट्स की एक फौज, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे। लेडीज अपना हेयर पिन लेके चुभाएंगी या इस तरीके की, तो लड़ाई है, युद्ध है, पर इस युद्ध का फैसला नहीं होगा क्योंकि देवी ने आदि प्रार्थना स्वीकारी है, इसलिए बैरन पीटर के हाथों से वो बाल गायब हो जाएंगे। बेलिंडा जाएगी बैरन पीटर के पास और कहेगी, मेरे बाल मुझे वापस दे। कहता है, नहीं, मैं तो हीरे की अंगूठी में उसे फंसाऊंगा, ट्रांसपेरेंट अंगूठी में फंसाकर आसपास हीरे जड़वाऊंगा और लोगों को कहूंगा, देखो बेलिंडा के बाल। और देखते हैं, अरे बाल गायब, उसने तो सुरक्षित रखा था, बाल गायब। कहते हैं, अरे बाल कहाँ गए, बाल कहाँ गए। बाल इसलिए गायब हो गए क्योंकि देवी ने प्रार्थना कबूली नहीं थी, तो अब बालों के लिए अफरा तफरी मच जाती है। सब ढूंढते हैं, बेलिंडा रोने लग जाती है। और एंड में कवि बेलिंडा को मना कर कहते हैं कि रो मत, हमने देखा, बेलिंड अलेक्जेंडर पोप कहते हैं,
हमने देखा मतलब सिल्फ्स के माध्यम से। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, मेरे पोएम में सिल्फ्स ने देखा कि तुम्हारे बाल आसमान में उड़कर चले गए। आज शाम को रोजमोंडा RSAMONDA रोजमोंडा नाम के झील के किनारे जहां लवर्स शाम को घूमने जाते हैं, आज शाम को तुम जाना और आसमान की तरफ देखना, जो सबसे चमकता हुआ तारा है आसमान में वो तुम्हारे बाल हैं। यूं तो मर जाती, दुनिया में तो एक ही सूरज है पर तुम्हारे पास दो सूरज हैं, पर एक न एक दिन ये दोनों सूरज अस्त हो जाते, तुम मर जाती, उसके बाद तुम्हारे बाल भी कब्र में जाते। पर अब क्या होगा, तुम्हारे बाल आसमान में चले गए, तारा बन गए और अब वो सबसे चमकदार तारा बनकर हमेशा आसमान में चमकेंगे। इसके साथ पोएम खत्म हो जाती है। ये मॉक एपिक है, ये सैटायर है, ये 18th सेंचुरी इंग्लैंड की सोसाइटी को दर्शाती है और इसमें सुपरनैचुरल है, ये सिल्फ्स निम्फ्स सैलामेंडर्स, सब कुछ मैंने एक आंसर में कंबाइन कर दिया है। कुछ भी पूछें आप तो वो आंसर लिख कर आओ।